नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम श्री कमलनाथ जी के बेटे नकुल नाथ के पोर्टफोलियो के बारे में। तो हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना एक हलफनामा दिया था, जिसमें उनकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा था। तो उस हलफनामे के अनुसार शेयर मार्केट में उनका किन किन कंपनियों में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, उस पर हम बात करेंगे। जो कांग्रेस हमेशा से ही अडानी को लेकर अपनी बात रखती आई है, उसी अडानी की कंपनी में नकुल नाथ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें नकुल नाथ का इन्वेस्टमेंट है और कितने शेयर उन्होंने किस कंपनी के ले रखे हैं? इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। लगभग 34 कंपनियों के शेयर इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। इनमें सबसे पहला नंबर है सुजलोन एनर्जी का, जिसमें सुजलोन एनर्जी जिसके इन्होंने लगभग 10,000 शेयर खरीदे हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 4 लाख रुपये है। वहीं दूसरी कंपनी है जियो फाइनेंशियल। वहीं जियो फाइनेंशियल के लगभग 10,000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं, जिसकी वैल्यू की अगर बात करें तो लगभग 35 लाख रुपए है। वहीं अगली कंपनी है रतन इंडिया, जिसके लगभग 51,000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है। अगला है यस बैंक, जिसमें इनके लगभग 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं, और अगर शेयर की बात की जाए तो तकरीबन 55 लाख शेयर इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। दो सरकारी कंपनियों के शेयर भी इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, जिसमें पहली है पीएनबी, जिसके तकरीबन 10,000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। वहीं दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, जिसके तकरीबन 3200 शेयर इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, जिसकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो तकरीबन 4 लाख उसकी वैल्यू है। यदि बात की जाए सबसे ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की, तो अडानी पोर्ट में इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसके तकरीबन 9,000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। वहीं कुछ और कंपनियां भी हैं जो इनके पोर्टफोलियो में हैं, जैसे मुकेश अंबानी की RIL, जिसके तकरीबन 400 शेयर इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। होटल इंडस्ट्री के भी कुछ शेयरों में इनका निवेश है, जैसे इंडिया होटल, लेमन ट्री होटल, वेदांता और जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियों में भी इनका निवेश है। तो ये था पूरा नकुल नाथ का शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो।